असलमकुम गाइस उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ़ प्रेजेंटेशन है वो है बायोग्राफी ऑफ सिगमंड्राइड फ्राइड फ्राइड वॉज बॉर्न टू अबूल मर्चेंट एंड हिज सेकेंड वाइफ जैकोब एंड अमालय ऑन सिक्स मई एटीन इन फ्राइबर्ग मोरेविया फ्राइड जो हैं वो सिक्स मई 1856 को मोरेविया में उनकी बर्थ हुई उनके जो फादर थे जेकोब उनकी सेकंड वाइफ थी जिनसे उनकी बर्थ हुई व्हेन ही वाज यंग सिगमंड फ्राइड्स फैमिली मूव्ड फ्रॉम फ्राइबर्ग मोरेबिया टू वाइना वेयर ही वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ नेक्स्ट ही वाज रेस्ड इन वाइना एंड ही वाज मैरिड देयर इन एटीन टू मार्था बर्नेस फ्राइड हैड सिक्स चिल्ड्रन हेज़ डॉटर एना फ्राइड ऑल्सो बिकेम a psychoanalyst now we are talking about the work life of sigmund freud in 1873 freud entered the university of vienna medical school after studying medicine at the university of vienna freud worked and gained respect as a physician university of vienna se degree lene ke baad, wo as a physician वर्क करने लगे नेक्स्ट फ्राइड्स फ्रेंड जोसेफ ब्रियोर आ फिजिशियन एंड फिजिओलॉजिस्ट हैज लार्ज इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ फ्राइड्स करियर ब्रायोर टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट यूजिंग हाइपनोसिस टू क्योर अ पेशेंट बर्था पेपेनहम रेफर्ड टू एज एन ओ ऑफ वॉट वॉज दैन कॉल्ड हिस्टेरिया ब्रायोर वुड हाइपनोटाइज हर एंड शी वॉज एबल टू टॉक अबाउट थिंग्स शी कुड नॉट रिमेम्बर इन अ कॉन्शियस स्टेट फ्राइड के जो फ्रेंड थे जोसेफ ब्रायोर उनकी एक पेशेंट थी एना ओ उनको था हिस्टेरिया जो कि एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जोसेफ ब्रायोर ने जो है उनको हाइपनोसिस के थ्रू उनका क्योर किया था उनका इलाज किया था हाइपनोसिस से क्या हुआ कि वो चीज़ें जो वो नहीं बता पा रही थी मींस उनके साथ उनके वो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो कि उनको बॉदर कर रहे थे जोसेफ़ ब्रायो ने उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को हाइपनोसिस को यूज़ करके उनकी कॉन्शियस स्टेट में लाना चाहा और फिर उन्होंने वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जोसेफ ब्रायोर के साथ शेयर किए हाइपनोसिस के थ्रू हर सिम्टम्स वर रिलीव्ड आफ्टरवर्ड्स, दिस बिकेम नोन एज द टॉकिंग क्योर उसके बाद हाइपनोसिस के थ्रू क्या हुआ उनके जो सिम्टम्स थे हिस्टेरिया जो कि उनको डिसऑर्डर था उसके सिम्टम्स कम होना शुरू हो गए जब उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जोसेफ ब्रायोर को बता दिए तो उनके जो सिम्टम्स थे वो कम होना शुरू हो गए दिस बिकम नोन एज द टॉकिंग क्योर फिर हाइपनोसिस को नया नाम दे दिया गया टॉकिंग क्योर का जिसके थ्रू हम हिस्टेरिया को ट्रीट कर सकते हैं उसका क्योर पॉसिबल हो गया फ्राइड देन ट्रेवल टू पेरिस टू स्टडी फर्दर अंडर जीन मार्टिन कारकोट आ न्यूरोजिस्ट फेमस फॉर यूजिंग हाइपनोसिस टू ट्रीट हिस्टेरिया इसके बाद सिगमंड फ्राइड पेरिस गए जहाँ पे उन्होंने जीन मार्टिन कारकोट के अंडर हिस्टेरिया को हाइपनोसिस के थ्रू किस तरह ट्रीट किया जाता है किया जा सकता है उसको स्टडी किया After this new line of study, Fried returned to his hometown in 1886 and opened a practice that specialized in nervous and brain disorders. Paris से आने के बाद, 1886 में वो वापस अपने hometown आ गए, जहाँ पे उन्होंने एक practice academy open की, जहाँ पे वो nervous and brain disorders की training करवाते थे और करते थे। he found that hypnosis did not work as well as he had hoped. इन्होंने देखा कि hypnosis जो है वो उस तरह work नहीं करता hysteria को treat करने में जैसा कि उन्होंने सोचा था He instead developed a new way to get people to talk freely. He would have patients lie back on a couch so that they were comfortable एंड देन ही वुड टेल दैम टू टॉक अबाउट वट एवर पॉब्ड इन टू दियर हैड इन्होंने एक अपना मेथड डेवलप किया हिस्टेरिया को ट्रीट करने के लिए बिहेवियरल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इन्होंने कहा कि लोग फ्रीली टॉक करें अपने पास एक्सपीरियंस के बारे में वो कंफर्टेबल हो के बात करें ना कि हम उनको हाइपनोसिस के थ्रू हिप्नोटाइज करके हम उनसे उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस उगलवाएं ठीक है उन्होंने क्या किया जो उनके पास जो पेशेंट्स आते थे उनको वो कहते थे कि आप जो है काउच पे इजीली लेट जाएं और कंफर्टेबल फ़ील करें और जो आपके हेड में आ रहा है जो आपके माइंड में आ रहा है आप वो स्टेट करें फिर जब वो जो भी कुछ उनके माइंड में आता तो वो बोलते जाते और सिगमंड फ्राइड उनकी स्टेटमेंट्स को नोट करते जाते और फिर उसको एनालाइज करते फ्राइड वुड राइट डाउन वॉट एवर द पर्सन वुड से एंड एनालाइज वॉट दे हैड सेट दिस मेथड ऑफ़ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड फ्री एसोसिएशन और इस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को सिगमंड फ्राइड ने नेम दिया फ्री एसोसिएशन का ही पब्लिश हिज फाइंडिंग्स विद ब्रायोर इन 1895 इन अ पेपर कॉल्ड स्टडीज इन हिस्टेरिया इन्होंने अपनी ये फाइंडिंग्स एक पेपर में पब्लिश की जिसका नेम था स्टडीज़ इन हिस्टेरिया नेक्स्ट इन 1896 फ्राइड कॉइन द टर्म साइको लेटर वर्क्स इंक्लूड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इन 1900 उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नेम था इंटरप्रिटेशन ऑफ़ ड्रीम्स उसके बाद 1905 में इन्होंने थ्योरी ऑफ सेक्जुअलिटी पे थ्री एसेज राइट डाउन किए इनकी जो थ्योरी ऑफ साइको सेक्जुअल जो कि हम आगे पढ़ेंगे उस पर फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने इनकी साइकोसेक्जुअल स्टेजेस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया देन 1923 में इनको माउथ का कैंसर हो गया और जो है इन्होंने 33 थ्री ऑपरेशंस करवाए और इनकी डेथ 1939 में इनकी डेथ हो गई सो दैट वॉज ऑल अबाउट the biography of sigmund freud if you guys have any query or any question regarding this topic you can ask me in comment section thank you so much and allah hafiz